नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र के महितनिया गांव में महिला उत्पीड़न का मामला सामने आया है। बता दें कि महितनिया गांव की अली मुनीशा ने अपने जेठ और उसके बेटे के ऊपर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और कहा कि वो मानसिक बीमार पति मोहम्मद सईद से जबरन अचल संपत्ति डुमरियागंज तहसील प्रशासन की मदद से हड़पने का आरोप है। हालांकि रजिस्ट्रार डुमरियागंज को 4 अगस्त को अवगत कराया गया था कि मेरे पति मोहम्मद सईद का मानसिक रूप से तबीयत खराब है, जिनका इलाज चल रहा है। अगर कोई भी मेरे रिश्तेदार या कोई भी मेरे पति मोहम्मद सईद को लेकर संपत्ति मामले में बेनामा कराने आएगा तो हमको सूचित किया जाए। लेकिन रजिस्ट्रार डुमरियागंज की लापरवाही से रजिस्ट्रार डुमरियागंज ने महिला को बिना सूचना दिए महिला और उसके बीमार पति से उनका बेनामा करवा दिया गया। ये परेशानी है कि मेरे 3 साल से मेरे आदमी का दिमाग सही नहीं है। मैं 3 साल से मैं दवा करा रहा हूँ। उनका भाई, उनके भतीजे ने सारा मेरा बम्बई और गांव का सारा प्रॉपर्टी ले लिया। मेरे को रोड पर ले आए, मैं कहीं लायक नहीं हूँ। मेरे को खाने पानी का हर चीज़ की वादा। मेरे आदमी का हालत बहुत ख़राब है। मेरे को सबसे घर से बेघर कर दिए, मेरा सारा सामान ले लिए। और लोग बोलते हैं हम लोग तालाब हो, कुछ नहीं कर पाओगे, जिधर जाना हो उधर जाओ, कोई नहीं सुनवाई होगा आपका। आप प्लीज़ मेरा हेल्प करिए, कुछ भी मेरा न्याय दीजिए। ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से किए हैं, क्या नाम है उनको? मोहम्मद उमर, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद तैयब। इसकी शादी जो है 35 साल हो गया, 40 शादी हुए ग्राम मातिनिया में। वो बानोई का हमारे नाम मोहम्मद सईद है, और क्या नाम है, उन लोग जो है बम्बई में रहते थे, तो वहाँ से जो है उनका जो है 2-3 साल पहले जो है उसका दिमाग जो है ख़राब हो गया, संतुलन। अमेठी में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी और उसने सुल्तानपुर कोतवाली में आकर सेंटर भी किया था। यहां से अमेठी पुलिस रात में ही उसे लेकर बाजार शुक्ल थाने पहुंची। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के सिंधगांव निवासी जगदीश यादव ने पूछताछ में बताया कि उसने पत्नी जोगीराज की धारदार हसिया से धान के खेत में ले जाकर हत्या की और भाग गया। उसने शानदेही पर घटनास्थल के पास से खेत से आला कत्ल बरामद किया। थानाध्यक्ष अखिलेश गुप्ता ने बताया कि चंद्रप्रकाश यादव पुत्र आशाराम यादव निवासी मोहनिया थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सहारनपुर के नगर कोतवाली इलाके के किशनपुरा में पुलिस और ड्रग्स विभाग ने एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए हैं। इस छापेमारी का नेतृत्व कर रही सहारनपुर की एसपी प्रीति यादव ने बताया कि कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सहारनपुर के कुछ खिलाड़ियों को इस दुकान से बिना किसी डॉक्टर पर्चे के प्रतिबंधित इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। इंजेक्शन को लगातार स्पोर्ट्स के कई खिलाड़ी अपना स्टैमिना बढ़ाते थे। बताया जा रहा है कि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद एक खिलाड़ी की तबीयत भी बिगड़ गई थी। शिकायत मिलने के बाद सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर पिंतारा ने एसपी प्रीति यादव को मौके पर जाकर कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद एएसपी प्रीति यादव ने ड्रग्स विभाग के अधिकारियों के साथ उक्त मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर जांच की और वहां से प्रतिबंधित इंजेक्शन के बड़ी खेप बरामद की। पुलिस ने सभी प्रतिबंधित इंजेक्शन को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की जाँच की जा रही है। एसपी का कहना है कि इंजेक्शन और कहाँ कहाँ बिक रहे हैं इसकी भी जाँच की जा रही है। हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो स्टेडियम में बच्चे आर्मी और पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं और अदर टूर्नामेंट्स और कॉम्पिटिशन्स के लिए एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग कुछ ऐसे नशीले इंजेक्शन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि डोपिंग टेस्ट में प्रोहिबिटेड है और उनका इस्तेमाल जो है शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो उसी पूरे प्रकरण में हमने आज जो है यहाँ पे किशनपुरा में सदर बाजार पुलिस के साथ और ड्रग इंस्पेक्टर जो है सहारनपुर के उनके साथ एक रेड करी है, एंड यहाँ पे हमें अराउंड 200 इंजेक्शन ऐसे मिले हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं और ये लोग कोई भी उनका सेल परचेज का रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हैं और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही इसको जो है आगे सेल कर रहे हैं। इसके अलावा कोई अन्य दुकानें भी हैं? इस पूरे प्रकरण में और भी अभी जाँच चल रही है, जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हर दुकान पर रेड करेगी। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में एक 9 साल की मुकबादर बच्चे के अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें आरोपी बच्चे को अपनी गोद में उठा ले जा रहा है। पुलिस ने कुछ घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल ढूंढ लिया है, पूरी घटना का खुलासा कर दिया। स्टेटस ये है, 29 तारीख की घटना है, 29 अगस्त की। तहरीर मिली हमें बच्ची के पिता से, जिनका नाम माजिद है। उन्होंने तहरीर दी कि उनके ही पड़ोस में रहने वाला फहीम उनकी 9 साल की बच्ची को बहला फुसला कर ले गया है।
तो जब हमने इसके लिए 3 टीमें गठित की, पास में हमने रामपुर में भेजी, बिजनौर में भेजी और एक टीम हमने काशीपुर की तरफ भेजी। तो जो रात्रि के करीब 10:30 बजे के आसपास बच्ची सहित वो जो अपहरण करता था वो भी मिल गया और उसकी तुरंत गिरफ्तारी की, वो बच्ची को बरामद कर लिया गया और अगले दिन 30 तारीख को उसे जेल भेज दिया गया। पीलीभीत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 3 अभ्यस्त और शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने अभ्यस्त और शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में वांछित एवं सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शातिर लुटेरों के पास से अवैध शस्त्र लूट से संबंधित माल बरामद किया है। गिरफ्तार हुए तीनों शातिर लुटेरे के विरुद्ध पूर्व में भी जनपद के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों शातिर लुटेरों को कोतवाली बीसलपुर इलाके के बिसलडा तिराहे से गिरफ्तार किया है। कोतवाली बीसलपुर इलाके का ही पूरा मामला है। एसपी सर के नेतृत्व में एक अभियान चलाया जा रहा है, जो सक्रिय अपराधी और बातचीत अपराधी है। इस संबंध में हमारी पूरी पुलिस फोर्स शाम के समय लगभग उठते रहती है और रात में कई अभी दिए जाते हैं। इसी दौरान एक बिलसंदा मोड़ है, वहाँ पे मुंह की सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची और उसमें गिरफ्तारी की, उसमें मुठभेड़ भी हुई और गिरफ्तारी हुई है। इसमें खासतौर से 3 मुजरिम अनिश्चित गिरफ्तार हुए हैं, उसमें एक का नाम तौसीफ है, दूसरे का सुहेब है और तीसरा जीशा, तीनों बरेली के रहने। और हमारे कई थाना क्षेत्रों में, खासतौर से यहाँ के 3 थाना क्षेत्र बरखेड़ा, बीसलपुर और एक थाना और है जहानाबाद, वहाँ पे और बरेली के कुछ थाने हैं, वहाँ पर भी इन्होंने लूट किया है। बाराबंकी में छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। पिटाई से शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। छात्र के प्रधानाचार्य के ऊपर मारने पीटने का गंभीर आरोप है। बाराबंकी के रानी लक्ष्मीबाई स्कूल का एक पूरा मामला, छात्र के ऊपर इंस्टाग्राम आईडी हैक करने का आरोप है। छात्र का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी कोई शिकायत नहीं दर्ज हो पाई है। हैदरगढ़ कोतवाली में लिखित शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बलरामपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल समेत कई सरकारी योजनाओं का ताबड़तोड़ निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बलरामपुर अटल जी का जिला है और हम सबके लिए पूजनीय है। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए स्थानीय स्तर पर चिकित्सकों की भर्ती किए जाने का निर्देश दिया गया है, जिसकी स्वीकृति शासन से दी गई है। एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार प्रदेश में रोड एक्सीडेंट के मामलों में हुई बढ़ोतरी को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेस वे वाला राज्य है। और अब खबर औरैया से, जहां एरवकटरा थाना क्षेत्र के बरौन कला गांव में एक युवक को अपहरण कर दबंगों ने अधमरा कर खेत में फेंक दिया, जिसकी हालत गंभीर है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि थाने में चौकीदार के पद पर तैनात छविनाथ कठेरिया के बेटे पिंटू को 5-6 लोगों ने तमंचे के बल पर बाघ सटाकर खेत में ले गए, जमकर मारपिटाई की। जमीनी विवाद में दबंगों ने अपहरण कर बंधक बनाकर फिर मारपीट कर मुंह में कपड़ा बांध दिया और हाथ पैर बांध दिए। यमुना नदी में फेंकने जा रहे थे, तभी सुबह के वक्त खेतों में किसानों के आ जाने पर अधमरे घायल युवक को छोड़कर फरार हो गए। कटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरौना का नाम है। कल दिनांक 29/8/2022 की रात में एक 35 वर्षीय युवक, जो अपने खेत में हाल ही में वृक्षारोपण किया था, उसकी रखवाली में लेटा हुआ था। रात में करीब 1:30 बजे के लगभग गांव के ही 5-6 व्यक्तियों के द्वारा उसे उठा करके वहां से लगभग 200 मीटर दूर ले जा करके दूसरे के खेत में मेड़ पर हाथ पर बांध कर मुँह में कपड़ा लगा करके छोड़ दिया गया था। जिसके संबंध में मेरे द्वारा मौके पर जाकर के पीड़ित से वार्ता की गई तथा पीड़ित पर से तहरीर प्राप्त कर एरवाकट्टा थाना क्षेत्र में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। गिरफ्तारी है टीम 3 टीमें गठित की गई है। नामजद अभियुक्त में से 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित।
फतेहपुर जिले में आए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में सरकार द्वारा पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है, वहीं बेरोजगारों को रोजगार देने वाले बनाने की स्कीम सरकार द्वारा की गई है। प्रत्येक जनपद में छोटे छोटे उद्योग लगाकर युवाओं को रोजगार देने वाला बनाया जा रहा है। ऐसे में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के माध्यम से 1 करोड़ तक का लोन दिया जा रहा है। जिला उद्योग की जमीन खाली पड़ी है, उन जमीनों में उद्योग लगाकर बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। सीतापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब 7 बच्चों का पिता निकाह करने पहुंचा, वो भी 5वां। दरअसल पूरा मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के सिटी स्टेशन के पास का है, जहां पर 7 बच्चों का पिता 5वां निकाह करने जा रहा था। तभी बच्चों को जानकारी हो गई, बच्चों ने पिता की जमकर पिटाई कर दी। बढ़ते बवाल के बाद 5वीं दुल्हन मौके से फरार हो गई। चोरी छिपे संगीन मिजाज दूल्हे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरे पापा 5-6 महीने से खर्चा पानी नहीं दे रहे थे। हम भाई बहनों को, हम अपने घर में सबसे बड़े हैं और मेरे 4 जो है नाबालिग भाई बहन और हैं, बाकी 3 हम बड़े हैं। आपकी मम्मी? मेरी मम्मी जो है घर में ही रहती हैं, तो वो काफ़ी वक्त से हमें खर्चा पानी नहीं दे रहे थे। उल्टा जो है झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाया करते थे जब तब। तो अभी जो है जब हम लोग जब भी जो है खर्चे पानी की बात करते तो टाल देते या फिर जो है वो नीचे रह रहे हैं इधर। अच्छा। 4-5 महीने से बोले थे कि जो है आज क्या हुआ, आज जो है हमें पता चला कि वो निकाह कर रहे हैं किसी और औरत से। ये मेरे बाप का 5वां निकाह था, तो हमारे सुनने में आया कि वो जो घर वाले हैं औरत के, वो जो है मेरे बाप से जायदाद प्रॉपर्टी अपनी लड़की के नाम करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खाने पीने का कुछ था नहीं, सारा सब कुछ वो दे ही नहीं रहे थे। बांदा शहर कोतवाली अंतर्गत भूरागढ़ स्थित के नदी पर बने पुल पर बुधवार को एक युवा कर रेलिंग पर बैठकर मोबाइल से सेल्फी ले रहा था, तभी हवा के झोंके से सीधे के नदी में गिर गया। नदी में बाढ़ के कारण डूब गया। सूचना मिलने पर पुलिस और सुरभि शर्मा SDM सदर और पुष्पक तहसीलदार ने पहुंचकर गोताखोरों की मदद से युवक को तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक युवक नदी पर बने पुल की रेलिंग पर बैठकर मोबाइल से सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, अचानक हवा का झोंका आया और वो नीचे गिर गया। मैं छोटे भाई के साला अभी यहाँ पे आया है टहलते हुए, वहाँ पे खड़ा हो गया है, अचानक उसका पैर फिसल गया था तो इससे नदी में गिर गया। कहाँ? पुल के ऊपर खड़ा? पुल के ऊपर वहाँ उस। अच्छा अच्छा लगभग कितनी देर हो गई गिरे हुए? ये करीब हो गया अभी करीब 2 घंटे हो गए। क्या नाम है लड़के का? सौरभ सिंह। कहाँ के रहने वाला था ये? चुंगी चौकी तक का। अच्छा, और अभी तक क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था हुई है? क्या गोताखोर आए? गोताखोर तो नहीं आए, लेकिन 2-3 नाव वाले हैं कि लोकल वाले अभी ढूंढ रहे थे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ मान लीजिए अभी मुझे भाई से बढ़कर वो मानते थे, अपने साथ ही रखते थे हमेशा। तो यहाँ आप लोग क्या करने आए थे? वो मुझको मतलब जहाँ उनकी एजेंसी मतलब मोबाइल की सप्लाई होती थी वहाँ वो दिखाने आए थे मुझको। अच्छा, तुमको मिलवा दे। तो यहाँ नदी के ऊपर क्या कर रहे थे आप लोग? वहाँ पे मैंने मना किया, वो कह रहे थे कि चलो इधर पे खड़े होकर देखते हैं, तो मैंने कहा नहीं भैया अभी टाइम नहीं, मेरा टाइम भी हो रहा है कोचिंग के लिए। तो कह रहे हैं आओ यार थोड़ी देखते हैं, नदी उतर गई है, बस आए हैं अचानक से उनका पैर फिसला और चले गए नीचे। अच्छा, नीचे पैर फिसलने से नीचे गिर गए? सांस आस सब एकदम बंद हो गई है, मैं घबरा गया था बिल्कुल। क्या नाम? बांदा नूतन बाल समाज गणेश भवन के 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दया शंकर। नूतन बाल समाज गणेश भवन पहुंचकर परिवहन मंत्री ने विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की। 100 साल पूरे बाल गंगाधर तिलक से प्रेरणा लेकर हुई थी नूतन बाल समाज गणेश भवन की स्थापना। मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम सैनी बाल गंगाधर तिलक की मूर्ति का भी अनावरण किया। परिवहन मंत्री ने कहा कि विधायक प्रकाश द्विवेदी ने प्रस्ताव बांदा रोडवेज बस स्टैंड का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा था और ऐसा ही होगा। हरदोई के बेनीगंज में किसानों ने प्रदर्शन किया, देर रात किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। दशहरी मजदूर यूनियन के सदस्य और मौजूदा प्रधान की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पेड़ काटने को लेकर पुलिस ने प्रधान को गिरफ्तार किया था। मौके पर प्रदर्शन शांत कराने पहुंचे क्षेत्राधिकारी परशुराम। SP के आदेश पर 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने गिरफ्तार प्रधान को रिहा कर दिया है। प्रदर्शन में सैकड़ों किसान मौजूद रहे। किसान दशहरी संगठन का ही नहीं मामला है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, ना कि राजतंत्र में। ये लोकतंत्र है, जनता की सेवा के लिए हम लोग आए हैं, उनकी समस्या के निदान के लिए हम लोग आए हैं, समस्या बढ़ाने नहीं आए हैं।
ये समस्या प्रधान की परसों मेरे पास आई थी, मैंने मना कर दिया था। गंगा प्रसाद इंस्पेक्टर हैं, उनको टेलीफोन किया, इंस्पेक्टर उस समय नहीं थे, मैंने मना किया कि वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो ग्राम समाज की ज़मीन है तो बूथ जो समीक्षा समिति है वो प्रधान होता है, और नहीं तो लेखपाल मुकदमा लिखाएंगे। यहाँ कोई कार्रवाई की आवश्यकता तब तक नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा करना है तो SDM को आप लिख के भेज दीजिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।